नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पी के राज व्लॉग में। दोस्तों हम हैं किंग गोट फार्म पे और ये है अजमेर में। तो आज हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे कौन से जो बकरे हैं अवेलेबल है, तो भाई से हम बात करते हैं यहाँ पे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया। सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। अभी मार साहब नहीं है क्या? नहीं अभी मार साहब नहीं है, वो कहीं पे कुछ काम से गए हुए हैं। तो आप हैं, आपका नाम सर जी? दिनेश। गोट अभी अवेलेबल है आपके? अभी अपने पास में 200 पीस खड़े हैं। 200 पीस हैं जी। उनमें 200 में कौन कौन है? क्या क्या? उसमें बच्चे भी है, बड़ी गोट भी है, प्रेगनेंट बच्चे भी है, बच्चे दीवी भी है उसमें, बिल्डर भी है, तैयार हो रहे हैं कुर्बानी के लिए, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। तो इधर जो बच्चे हैं इधर आपके पास जी? ये बच्चे हैं। बच्चे हैं। और इधर ये वाले सब? ये बिल्डर है। बिल्डर है। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है लगभग 13-14 महीने महीने के। जी जी। और बकरिया वो है? बकरिया वो है। अच्छा, देखते हैं जी। तो वही चल के देखेंगे? जी जी बिल्कुल, वही आ जाओ। चलिए सर वही देख लेते हैं। पहले बकरियों से शुरुआत हम करते हैं। तो अभी बकरियाँ कितने से हैं सर? कितनी बकरियाँ हैं आपके पास? ये अभी 150 बकरियाँ हैं। अभी 150 बकरियाँ हैं जी जी। तो ये सर सेल के लिए है या सेल हो चुकी है? नहीं ये सेल हुई हुई है, ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, जैसा ऑर्डर मिलता है वैसा माल ला के अरेंज करके दे देते हैं। अच्छा जी। तो अवेलेबल कितनी रहती है सर जी आपके पास? अवेलेबल सैंपल के लिए मतलब 40-50 पीस अवेलेबल खड़े रहते हैं। काफ़ी बड़ा फार्म है सर जी? जी जी। एरिया ये खुला हुआ एरिया भी है? खुले में बाकी आराम से बैठ जाए जानवर, खुला वातावरण। घुमाते भी हो इनको? नहीं घुमाते यही पे, अंदर अंदर घुमाते, बाहर नहीं जाते। अच्छा। अंदर ही रखते हैं बिल्कुल जी। अपना ही है जी, इसी फार्म का है। तो सर जी बकरियाँ थोड़ा दिखा दो आप, आपके हिसाब से बढ़िया बकरी कौन सी है और एक एवरेज बकरी कौन सी है इसके अंदर रेट के हिसाब से? ये भी काफ़ी शानदार है, कलर शाइनिंग दे रहा है इसका। ये सिरोही में आती है सर? अच्छा, सिरोही के अंदर? सिरोही में आती है ये। ये सिरोही अजमेरी गुजरी इसी में आप? इसी में अजमेरी, इसमें मिलते हैं। अच्छा, आपके अपने जो फार्म है जी जी, इसमें ब्रीड कौन कौन सी अवेलेबल रहती है? अपने पास में अभी अजमेरी है, गुजरी है, सिरोही है, ये अवेलेबल जी अभी अवेलेबल तो यही है अभी। अच्छा, ये कितना उम्र का होगी, कितने दांत कर लिए होंगे? ये 4 दांत में है। 4 दांत पे है जी। अच्छा, और देखते हैं जी। 100 से ऊपर होंगी ये तो बकरियाँ? बता रहा हूँ ना आपको, 150 है। 150 बकरे, 150 पीस है। ये वाले सर ये दिखाने एक बार, ये एक्टिव है सर है। ये बिल्डर के लिए तैयार हो रहा है? बिल्डर के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या सिरोही में है ये? उम्र का होगा ये? 7 महीने का है। 7 महीने का? बिल्कुल जी। काफ़ी अग्रेसिव है ये जी, देख रहे हैं। अच्छा, और बताओ सर जी एवरेज क्या, इनकी कीमत क्या रहती है जी? कौन से वाले की? इन बकरियों की एवरेज अगर कीमत आप? इनकी 13-14 हज़ार से। 13-14 हज़ार से जी जी बिल्कुल। आप पट्टी से देते हैं या तोल से भी देते? तोल से भी देते हैं, पट्टी से भी देते हैं, दोनों में काम करते हैं अपन। अच्छा, तोल से क्या रहेगा जी? तोल से रहेगा ये आपके 240 रुपये पर के जी से। 240 रुपये के जी? अच्छा, तो इसके अंदर छांट के ले सकता है या फिर उसमें क्या रहता? जैसा ऑर्डर रहता है वैसा माल ला के दे देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ पीस पसंद नहीं आ रहे तो वो अपने पास ले जाते हैं। अच्छा, कितना परसेंट निकलवाते हो? जैसे आप तो जैसे अभी मतलब ट्रेडिंग का काम है शायद? ट्रेडिंग का काम है। तो ट्रेडिंग के काम के अंदर सर जैसे आपने एडवांस ले ली किसी कस्टमर से, उसके बाद में लेकर आते हो या फिर कैसा क्या? नहीं उसके बाद ही लेके आते हैं, एडवांस आने के बाद फिर उनके लिए माल लेके आते हैं। जैसे कोई कस्टमर आपके पास में आया जी, तो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है जी, तो उसके बाद में भी आएगा तो उसको हो सकता है उसको पसंद भी नहीं आया, वो एडवांस वो दे चुका होगा, ऐसा नहीं होता है? हो जाएगी ना सर उसकी खरीदने का? ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा नहीं होता है, जैसा माल मंगाया वैसा माल लेके आते हैं हम। ऐसा हमको फार्म पे रखने के लिए कोई नहीं, लेके आएंगे उनके लिए। अच्छा अच्छा जी, उनके लिए जो माल पसंद आता है वो माल ले जाओ, सेट करो ले जाओ माल। अच्छा, अवेलेबल में कितना रहता है आपके पास? अवेलेबल 30-40-50 30-40-50 तक अगर किसी को चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ले सकता है बिल्कुल। और आप ज़्यादा ही क्वांटिटी के हिसाब से बता रहे हो? हाँ, सैंपल के लिए 30-40 रहते हैं, उसमें सैंपल बता देते हैं हमको, उस हिसाब से उनका माल लेके जाते हैं। इसके अलावा क्या अवेलेबल है आपके पास? अभी बच्चे भी है, कुर्बानी के बकरे भी है, बिल्डर भी है जी। तो चलो बच्चे देखते हैं जी। देखो इसमें मैं आपको सिरोही में बकरी दिखाता हूँ दूध वाली, जो अभी इसके 2 बच्चे भी है, जो अभी बच्चे दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ। जी, स्पेशल क्या है जी इसके अंदर? इसमें 1.5 लीटर दूध दे रही है ये बकरी। 1.5 लीटर दूध दे रही है जी बिल्कुल, और ज़्यादा उम्र की भी नहीं है, 2 साल की है अभी। अच्छा अच्छा, 2 बच्चे लाई है, दूसरी बार है ये, अभी दूसरी बार है, 2 बच्चे लेके आई है जी जी। और दूध ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इसके ना? 1.5 लीटर दूध देती है। 1.5 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, तो इसका जैसे 2 बच्चे हैं तो आराम से इसको पाल सकती है? बिल्कुल पाल सकती है ये चीज़। चलो आ जाओ सर।
अच्छा इनका बता दीजिए सर जी, क्या उम्र है सर इसकी और कितने क्वांटिटी के अंदर है? इनकी उम्र अभी 5-4 महीने के है बच्चे इसमें। अच्छा जी, सारे बच्चे बिल्कुल, इसमें कुछ बिल्डर भी है शामिल में। अच्छा, बड़े बिल्डर के लिए तैयार हो रहे हैं वो भी है जी। अच्छा, ये वाले हाँ जी जी। अच्छा तो ये मतलब इसमें ब्रीड है अजमेरा सिरोही गुजरी, ये तीनों ब्रीड अवेलेबल है जी जी। अच्छा, और ये बड़े भी हैं कुछ है इसके अंदर तो इनकी सर जैसे इनका वजन क्या रहेगा? बच्चे का वजन आता है इसमें 25-30 kg में है अभी। तो ये फार्मिंग वाले हैं क्या सारे? सब फार्मिंग के है, सिरोही में, गुजरी में, अजमेरी में। वजन क्या बैठेगा इनका? इनका वजन बताया ना आपको, 25-30 kg में आएगा। 25-30 kg जी जी। और सर ये ग्रोथ जैसे इनको ईद के लिए तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे हैं जी। बिल्डर के लिए भी कर सकते हैं और बाकी इसको कुछ पीस है जो बिल्डर के लिए है और बाकी ईद के लिए होंगे तैयार। अच्छा, ईद के लिए जी जी। इसको ये कस्सी कब करवा दें? इसको कस्सी 7-8 महीने बाद में कस्सी करवा दें। 7-8 महीने बाद करवा दें। अगर ईद के लिए तैयार करना चाहते हैं तो 7-8 महीने के अंदर करवा सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बिल्कुल बिल्कुल। ये 50 पीस है। 50 है। इनकी रेट क्या है? इनकी रेट वैसे पट्टी के हिसाब से तो 6000 की पट्टी है। 6000 की जी। और के जी के हिसाब से 280 रुपये पर के जी से। 280 kg के हिसाब से ये रहता और 6000 की पट्टी से। ये बड़े वाले हैं जी, ये बिल्डर है ये। ये किस हिसाब से रहेगा? ये 300 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर उसको नग के हिसाब से ले रहे? नग के हिसाब से ले तो 13-14 हज़ार का, 15 हज़ार का। तो हम किंग गोट फार्म पे हैं और अभी हमने बकरियों का लोड देखा है, बच्चों का लोड देखा है और अभी ये लोड हम देखने वाले हैं। सर जी ये कौन सा लोड है? ये कुर्बानी वाला लोड है। अच्छा, कुर्बानी वाला लोड है। क्या वजन का है जी ये? ये लमसम 60-70 kg का है। 60-70 kg का इनका वजन का एवरेज है। और ये अभी खस्सी है या अंडू है जी? नहीं, अंडू है ये, कुछ भी बिल्डर के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, बिल्डर के लिए है? बिल्डर के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ईद के लिए तैयार हो रहे हैं ये। अच्छा, कितने हैं जी ये टोटल? ये 20 पीस है। जैसे ये बकरा है ये बिल्डर के लिए तैयार हो रहा है। काफ़ी तगड़ा है जी ये तो है जी। ये गुजरी है? नहीं, सिरोही में जी। अच्छा, ये सिरोही के अंदर? सिरोही में। और वजन क्या होगा इसका? इसका वजन आएगा लगभग 60 kg। 60 kg का जी। एवरेज ये कितना? 50-55 kg का होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, रेट क्या रहती है जी इनकी? इनकी रेट रहती है 300 रुपये पर केजी। 300 रुपये पर जी। 300 रुपये केजी के हिसाब से है। और अगर नग से लें तो कितना लगेगा? नग से ये पड़ती है 18,000 की पट्टी। 18,000 की पट्टी का जी। जी अवेलेबल है क्या सर? नहीं, ये ऑर्डर का है अभी। अच्छा जी, जैसे ऑर्डर होता है वैसे माल लेके आ जाते हैं। अभी बच्चों का ऑर्डर है तो बच्चे लेके आ गए, अभी बिल्डर के है तो बिल्डर लेके आ गए। अच्छा अच्छा जी। तो सर जी आपका नाम और एड्रेस दोबारा बता दीजिए। नाम दिनेश कुमार सामरिया जी। एड्रेस क्या है? अजमेर राजस्थान, रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर दूरी पर जी। किंग गोट फार्म जाना हॉस्पिटल। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा आपके पास? ट्रांसपोर्ट अपने छोटी गाड़ी में होती है तो अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, अभी अवेलेबल है बिल्कुल। अच्छा, ये पिकअप है, छोटी गाड़ी है? पिकअप छोटी गाड़ी है। बाकी किराया क्या रहता है जी? 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है। 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है। तो आने जाने का जुड़ता होगा? आने जाने का जुड़ता है इसमें छोटी गाड़ी में। अच्छा, तो इसमें कितना जा सकता है जी? इसमें छोटे पीस तो चल जाते हैं 60 पीस। अच्छा, और बड़े पीस 50 जा सकते हैं। ये वाले ये कितने जाएंगे? ये 40 पीस जाएंगे बड़े। बिल्कुल जी। जो भी भाई अजमेर आते हैं तो एक बार फार्म को विजिट करके जाए, माल नहीं ले तो फिर भी विजिट करके जाए फार्म पे। अच्छा, आके भाई देख के जाए, आराम से मिलके जाए, कुछ काम से आए या घूमने के हिसाब से आ रहे हैं तो भी एक बार विजिट करके जाए फार्म पे। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद।